हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भव्य और आज मैं आप सबके साथ ये ईद स्पेशल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ईद पर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में एंड बहुत सिंपल सा ये मेकअप लुक है। आई मेकअप थोड़ा सा है मतलब, बट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप इसे आसानी से कर सकते हो। सो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर, ताकि इससे हमारा फेस स्मूथ रहे एंड हम जो मेकअप करें वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए टिका रहे। और ईद पर मेकअप कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा मेकअप टिका रहे अच्छे से। सो उसके बाद मैं यहाँ आई मेकअप के लिए कंसीलर यूज़ कर ले रही हूँ एंड एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दे दूँगी। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ कॉम्पैक्ट यूज़ कर ले रही हूँ, ताकि हमारा आई मेकअप अच्छे से आए। सो उसके बाद यहाँ पर मैं ट्रांजिशन कलर लेकर अपने आई पर प्लेस कर ले रही हूँ। एंड आप लोग जब भी आई मेकअप करो तो उसको अच्छे से ब्लेंड करो, ताकि कोई भी हार्श लाइन हमारी आँखों पर ना आए, क्योंकि उससे हमारा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे उसको अच्छे से। सो आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपनी पूरी आँखों पर। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ कट क्रीज बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कंसीलर लिया है एंड एक ब्रश की हेल्प से इसको अपनी आंखों पर प्लेस कर ले रही हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा शायद कहीं ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से किया। एंड आप भी ब्रश की हेल्प से कर सकते हो उसको अच्छे से एंड आप उसे ब्लेंड भी कर दोगे उसी ब्रश की हेल्प से। सो मैं इसको अच्छे से कर ले रही हूँ एंड ईद है तो इतना मेकअप तो चलता है और होना भी चाहिए, एकदम चमकना चाहिए आपका चेहरा चांद की तरह। सो मैं इसलिए ऐसा मेकअप कर रही हूँ, थोड़ा ग्लिटरी टाइप का आइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप लोग भी ईद पर ऐसा मेकअप करना चाहते हो तो आप ज़रूर करना, आप बहुत अच्छे दिखोगे। सो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया जो मैंने कंसीलर लगाया था एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल कलर प्लेस कर ले रही हूँ, जो कि मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। सो इसलिए मैं इसको प्लेस कर ले रही हूँ। आप लोगों को कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा उसके लिए सॉरी, बट ये मुझे दिख रहा था अच्छे से, बट पता नहीं क्यों कैमरे में नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ, जो कि शिमरी है थोड़ा सा, उसमें थोड़े से चंकी पार्टिकल्स हैं। सो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। मेरे ड्रेस से ये दोनों कलर मैच हो रहे थे इसलिए मैंने इसको लिया, और मैं इसे अच्छे से अपनी आंखों पर प्लेस करूँगी एंड फिर सेम दूसरे कलर से मैं इसको ब्लेंड भी कर लूँगी, ताकि हार्श लाइन ना आए हमारी आंखों पर। आप देख सकते हो मैं सेम प्रोसेस अपनी दोनों आँखों पर कर रही हूँ। मैंने जहाँ तक कंसीलर लगाया था वहीं तक मैं इस कलर को प्लेस कर रही हूँ। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही सेम कलर यूज़ करो, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हो। हाँ, बट आप अगर मेकअप इस तरह से करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, कलर आपकी चॉइस होनी चाहिए। सो आप इस बात का ध्यान रख। तो मैं यहाँ सेम प्रोसेस से अपनी दोनों आँखों पर आई शेडो लगा ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं सेम ट्रांजिशन कलर लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि वो लाइन हमारी आँखों पर क्रिएट ना हो। सो आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप भी अच्छे से ब्लेंड करना जब भी आप आई मेकअप करना। तो यहाँ पर मैंने अगेन वो शिमरी कलर लेकर फिर से ऊपर से प्लेस कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा छुप गया था, तो इसलिए मैंने उसको फिर से प्लेस कर दिया, क्योंकि शिमरी कलर छुप जाते हैं बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों। सो एंड उसके बाद मैं यहाँ पर हल्का सा, एकदम हल्का सा ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट के लिए। तो मैं इसको अच्छे से अपनी आँखों पर लगा लूँगी एंड अभी थोड़ा सा ये मैसी लग रहा है, बट मैंने उसको फिर क्लीन कर लिया, क्योंकि हमारा फेस मेकअप अभी बाकी है तो उसको जो भी फॉल आउट है उसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ आईब्रो कलर ले रही हूँ, मैं इसको अच्छे से फिल करके उसके बाद मैं इसको कॉम कर लूँगी, ताकि वो थोड़ा शेप में दिखे, अच्छा से दिखे, नेचुरल सा लगे। सो आप आईब्रो को कॉम ज़रूर करना, ताकि वो अच्छा लगे देखने में। एंड अब मैं अपने फेस का मेकअप कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों के पास। अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप अच्छे से उसको यूज़ करें, ताकि वो हाइड हो जाए, बट मुझे नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा ब्राइट लगे मेरा फेस इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड मैं सेम ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप जब भी फाउंडेशन को ब्लेंड करो तो आप जो ब्लेंडर है उसे थोड़ा सा गीला कर लो, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो। अगर आप डायरेक्ट ब्लेंड करोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फेस पर देखने में। सो आप उसे गीला करके स्क्वीज़ कर लो एंड तब आप ब्लेंड करो, तब आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा।
सो एंड आप अपने गले को और अपने ईयर्स को बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैं सेम कलर लेकर अपनी आंखों पर प्लेस कर ले रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन के पास में। उसको स्मच करते हुए मैं पर्पल कलर यूज़ कर ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं काजल यूज़ कर रही हूँ हल्का सा, ताकि वो अच्छा इफेक्ट दे देखने में। सो एंड मैं अपने आई कॉर्नर के पास थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ कर ले रही हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने विंग आईलाइनर ड्रॉ किया, मुझे बहुत मन कर रहा था विंग आईलाइनर करने का। मैंने सोचा मैं डबल विंग करूँ, फिर सोचा नहीं रहने दो, क्योंकि अगर बिगनर मेरी मेकअप वीडियोस को देखेंगे तो शायद उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि विंग आईलाइनर थोड़ा टाइम लेता है और जल्दी होता भी नहीं है सबसे, और बिगनर से तो बिल्कुल भी मतलब स्टार्टिंग में नहीं होगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं नॉर्मल ही कर लूँ। बस थोड़ा सा विंग मैंने किया, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के करना होगा आपको। सो इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब सिंगल विंग ही किया है। अब मैं यहाँ पर अपने लैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ मस्कारा यूज़ करूँगी एंड ऑफ कैमरा मैं फॉल्सेस भी यूज़ करूँगी। अगर आप फॉल्सेस यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मस्कारा यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं कर लूँ तो इसलिए मैंने यहाँ फॉल्सेस यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर ले रही हूँ, मेरे नोज़ थोड़े से पतले दिखें इसलिए। वैसे मैं फेस कॉन्टोर नहीं करती हूँ, मैं नोज़ कॉन्टोर भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए तो करना पड़ता है। सो मैंने इसको अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया अच्छे से। सो अब मैं चिक्स को थोड़ा सा कॉन्टोर कर ले रही हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है नहीं, मेरे चिक्स ऐसे ही पतले हैं तो मुझे उतना ज़रूरत है नहीं, बट जिनको ज़रूरत होगी वो तो कर पाएंगे ना, इसलिए मैंने कॉन्टोर किया है। सो मैं इसको अच्छे से कॉन्टोर कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ लोग करते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ ब्लश यूज़ कर ले रही हूँ स्माइल करते हुए। ब्लश तो यूज़ करना बनता है, थोड़ा हमारा गाल पिंक पिंक लगेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। सो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर ले रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने नोज़ पर, अपने फोरहेड पर, चिक्स पर एंड जहाँ जहाँ भी हाइलाइटर यूज़ किया जाता है मैं इसको यूज़ कर लूँगी। एंड अगर आप भी ऐसा मेकअप कर रहे हैं तो हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि वो काफ़ी ग्लोइंग सा लगता है फेस पर, तो अच्छा लगता है, निखार आ जाता है आपके फेस पर। सो एंड अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, बट कभी कभी अच्छा लगता है। सो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ अपने ब्रॉ बोन एंड आई कॉर्नर के पास भी मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी अच्छा लगता है आई कॉर्नर के पास हाइलाइटर यूज़ करना। सो उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक, तो मैं यहाँ पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेकअप के साथ ही ये लिपस्टिक बहुत अच्छे से जा रही थी आई मेकअप के साथ। सो मैंने इसको यूज़ किया एंड मेरे ड्रेस के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से जा रही थी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, ताकि आपसे मेरी कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए। एंड आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो एंड आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।